हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई, हमारे बग्गा को का हो गया है। कितनी बार इस बग्गे को बोला है कि भाई तेरी जिंदगानी अब सही जा रही है, सब कुछ एकदम सेट सुट हो जा रहा है, और तुम्हारी जिंदगानी में एक बंदी आई जिसने कहा था मैं तेरे को बंदा बना दूँगी। हैं, फिलहाल कुछ चीज़ें और चली बीच बीच में, हैं नेगेटिविटी के चलते हुए तुम लोग घूमन घामन चले गए, वहाँ पर जाए के भाई घूम घाम के आए, ठीक है। अब अच्छा तुमको प्रमोशन भी मिल रहे हैं, गद्दा रजाई सब कुछ आने वाले टाइम में और कुछ भी मिलेगा, लेकिन व्यूज़ के लिए ये सब करना, अब आप सबने देख ही लिया होगा कि इन्होंने हरकत का करी है। नहीं देखा तो हम बैठे हैं ना आपको बताने के लिए कि इन्होंने हरकत का करी है। असल में इनका जो टाइटल है, दो लोगों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आजकल, तो तीनों दुखी कर रखे हैं कुनबावासी। बड़कन्नी जिज्जी, छोटकन्नी जिज्जी, तो भैया ऐसे ऐसे टाइटल लगाती जिनका सच्चाई से कोई लेना ही देना नहीं है। हैं भाई, इनका जो टाइटल है, इतना काम करो फिर भी सासू माँ बात नहीं कर रही हमसे, और भाई कोलाज बनाए के ना फ़ोटो लगाई है, माँ दुपट्टा भी बैठी है, उनकी सासू अम्मा भी बैठी हैं, है ना। तो भाई ये का सही तरीका आप लोग बता दो हमको। नहीं बता दो, ये सही तरीका है? सब लोग चाहते हैं कि जिंदगानी में खुशियाँ खुशियाँ आवें, रौनका रौनका रहें, सब लोग हंसी खुशी रहें, हैं फिर ये सब ऐसी हरकतें करके दिखाते हैं। फिर अगर कोई रिएक्टर, कोई भाई लाइव वाला या फिर कोई वीडियो बनाने वाला रिएक्शन है, तो कोई अगर कुछ इनके बारे में वार्तालाप करता है तो भाई इनके सबके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। लेकिन खुद ऐसे थंबनेल लगाते हैं, खुद ऐसे टाइटल लिखते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। व्यूज़ क्यों चाहिए? क्योंकि भैया अब आगे चल के इनको भाई प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए व्यूज़ ज़रूरी हैं। लेकिन व्यूज़ इस तरीके से आप कुछ और भी क्रिएटिव करके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा गलत है। इनको जो पसंद करने वाले इनके सब्सक्राइबर हैं, अब ऐसा नहीं कि वो हेटर हैं या इनको नहीं पसंद करते हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। नॉर्मल इंसान जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने इनसे सीधे सीधे बोल दिया कि भैया ऐसे थंबनेल काहे लगा रहे हो, हमको तनिको समझ में नहीं आ रहा है। और वो आंटी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि आंटी जी तो भैया बहुत ज़्यादा स्वीट हैं और तुम आंटी जी के बारे में ऐसे थंबनेल लगा रहे हो सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो कृपया करके ऐसी हरकतें ना ही करो। और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना लाइक मार रहे हैं, तो भाई मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ऐसे थंबनेल काहे लगा रहे हो। इससे पहले भी इन्होंने कई बार ऐसे करा कि इससे उससे हो गई लड़ाई, दोनों की नज़र, मतलब इन दोनों की जोड़ी को किसको लग गई नज़र, फलान ढमाक न जाने का सिर्फ व्यूज़ के लिए। ये आदत बहुत ही बुरी है, तो इस आदत को बदल डालो। डॉलर के लिए ये सब हरकतें ना करो भाया। और एक सब्सक्राइबर ने तो यूँ कह दिया कि भाई आपकी वीडियो में बहुत अच्छी बात है, सब लोग मिलजुल के दिखा रहे हो, लेकिन जो बीच में बोलती है छुटकन्नी इंडिपेंडेंट नारी, उसको बोलने मत दिया करो। हैं गुस्साओं ने बता रहे हैं का है, उन्होंने लिखा है कि भाई ये बाकी लोगों को बोलने नहीं देती है अगर कोई बीच में बात कर रहा होता है तो काट देती है बात, टोका टाकी कर देती है। तो अब आप ही लोग जान लो कि जनता जनार्दन के ही सब ये बातें हैं। जनता जनार्दन का कह रही है भाई, दुपट्टा और बग्गा के वीडियो की जो शुरुआत होती है उसमें ना हमार छोटकन्नी जिज्जी आज बनी है दुपट्टा की अम्मा। जी हाँ, अब हम ऐसे थोड़े कर रहे हैं, मजाक भी नहीं कर रहे ना ही टोंटबाजी कर रहे हैं, ये सीरियस बात है कि इस वीडियो में दुपट्टा की अम्मा कौन बना है? बड़कन्नी जिज्जी की छोटकन्नी इंडिपेंडेंट बहन छोटकन्नी जिज्जी। उन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग दुपट्टा, गुड मॉर्निंग, चाय पकड़ाए के वीडियो ऐसे कैसे नॉन होता, बॉन्ड दिखाना, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। तो वहाँ पर दुपट्टा ने एक लाइन मारा, गुड मॉर्निंग दीदी, घर पे मम्मा चाय देती थी, यहाँ पर आप आए, हाय दुपट्टा, आपके क्या हैं ये जज्बात और ख्यालात। चलिए, तो भाई मम्मा को याद दिलाती हुई जिज्जी, मम्मा की भूमिका निभाती हुई जिज्जी, वाह जी वाह। मतलब भाई जनता जनार्दन, तुम लोग तो बिल्कुल, इतना सबको दुपट्टा के बोलने के बावजूद भी जनता का ही मानना कि का बीच में न बोले दियो हैं, या दिमाग का दही कर देती, पटर 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 बोलने जाती है। जिज्जी की वीडियो में जिज्जी ने एक बात बोली थी कि डॉक्टर ने उनसे कहा है कि तुम बोलो कम मतलब आज तक सच बताऊं तो मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना कि किसी ने, किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को ये बोला हो कि देखो तुम अपने मुंह को आराम दो बोलो कम है। तो जिज्जी आजकल अपने मुंह को आराम नहीं दे रही, इस वीडियो में भी लगातार
चकर 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 बोले जा रही है, डॉक्टर का भी सजेशन नहीं मांग रही, तो बताओ क्या होगा। अब डॉक्टर अगर आपको कुछ बोलता है तो मानना चाहिए ना। इसके अलावा जिज्जी को बोला आप रेस्ट करें और बोले कम। जिज्जी का कहना था प्रीवियस वाले वीडियो में भी कि इस समय मुझे बहुत बोलना पड़ रहा है, इतना बोलना पड़ रहा है, इतना बोलना पड़ रहा है कि का ही बताएं। हरदम बोला करते हैं, पटर 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 बस बोले करते हैं, कभी इनसे बात करनी पड़ती कभी उनसे, और फिर वीडियो में भी तो बोलना पड़ता है। इतने लंबे लंबे 29-29, 30-30 मिनट के वीडियो बन रहे हैं, उसमें भी वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, उसके अलावा वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंसिंग चलती है नया प्लान बनाने के लिए, फिर वकील से भी बात करना पड़ता है। और बाकी वॉइस ओवर वाले चैनल पे भी तो अगर आप खुद करते हैं तो वॉइस ओवर, नहीं तो सामने वाली पार्टी को जो घर का ही मेंबर है आप सबको पता है, वो भी उसको समझाना पड़ता है, फिर एडिटिंग भी करना पड़ता है, समझ रहे हो कितना काम है। इसलिए हमारी जिज्जी नहीं कर पा रही आराम है। तो दुपट्टा भाई गई है, नई नई चूड़ी उड़ी ले आई हैं, क्योंकि चूड़ा बदलने का अब टाइम आएगा। मम्मी जी ने कहा है बदलेगी, 3 महीने हो गए। वाह जी वाह, मतलब मम्मी जी यहाँ पर पूरे रिचुअल्स फॉलो करा रही अपनी बहुरिया को, लेकिन इनकी बिटिया को दूसरे की घंटी भी ना डिस्टर्बेंस लगता है, सर में दर्द कराने वाला लगता है। वाह मम्मी जी वाह, पूरे वीडियो में भाई फुल एंटरटेनमेंट हुआ है ना। डब्बा में जो पर्चा है देखो उससे कहाँ कहाँ रखना है, यहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ शुरुआत करेंगे, फुल बॉन्डिंग दिखाई जा रही है ननंद और भाभी की। और भाई बग्गा अपना गया है काम पर, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, मम्मी जी के साथ बग्गा कर रहा था मजाक। सामान पैक करो निकलो तीर्थ व्रत, वैसे आपकी बेटी ने ये डायलॉग मारा था, तो मम्मी जी को अक्सर ये डायलॉग कहीं ना कहीं से मिल जाता है कि मम्मी जी सामान पैक करो और जाओ। वैसे मम्मी जी आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रही, इतना ज़्यादा काम कर रही कि कबो ना आराम कर रही, कबो आटा छान रही हैं तो कबो साग काट रही हैं, तो कबो भाई छुटकनिक काम कर रही, कबो छुटकनिक डब्बे वब्बे में भर कर रख रही, छुटकनिक फिर भी पसंद नहीं आ रहा। तो कुल मिला के मम्मी जी की हो चुकी है रीज्वाइनिंग, अरे जॉब में नहीं घर वाले कामन में है, मम्मी जी की काम वाली हेल्पर तो नहीं मिल पाई, तो मम्मी जी ने सोचा होगा कि चलो हम ही हेल्प कर देते हैं। ऑन कैमरा मम्मी जी का काम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और वैसे भी लग रहा है कि मम्मी जी वाकई में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इन दिनों। अच्छी चीज़ है, काम करते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप काम वाम करते रहते हो, हिलते डुलते रहते हो, तो आपकी हड्डियाँ प्रॉपर वर्क करती हैं, समस्याएँ कम होती हैं, और जो लोग पूरी तरीके से बैठ जाते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएँ बुढ़ापे में आ सकती हैं। इसलिए मम्मी जी भी काम काम करा करती हैं, लेकिन मम्मी जी को परेशान करने में बग्गा एक नंबर है, है? कौन दिन मग्गा तुमको बनाए देंगी मम्मी, अरे मग्गा ही बनोगे ना पानी भर भर के, है बग्गा बग्गा ही बने रहो, मग्गा ना ही बनो, इतना ही कहना चाहेंगे। मम्मी जी को इतना परेशान करो कि उठा डंडा डुंडा मार देंगी, खुपड़िया जाएगी फूट। उधर दुपट्टा और परेशान है कि इनके लिए मैं रोटी दाल बनाती हूँ, ये खाते नहीं, कबो इधर तो कबो उधर भागते नजर आते हैं, हम कहाँ कहाँ इनके पीछे पीछे घूमें। तो दुपट्टा इसे परेशान, नारियल पानी कैसे भैया खोलें, नारियल का जो जो ऊपर का पार्ट है उसको कैसे अलग करें, उसको कैसे पिएं, पूरी चीज़ आपको दिखाई है, पूरे तरीके से आपको समझाई। ऑफकोर्स दुपट्टा ने वैसे बड़कन्ने जी समझा दीजिए दिखाई दीजिए, कहा कि उनको भी ना नारियल पानी का बहुत है बड़ा चस्का। वैसे आजकल बड़कन्ने जी हमारा नारियल नहीं पी रही, मतलब घर में नहीं ला रही, हो सकता बाहर बाहर पी लेती हो, बात बात तो करती है कि हमको जूस या नारियल पानी या और कहानी चाहिए चाहिए होता। आजकल तो भैया चीला चीला चीला, लाल लाल हरा हरा पीला पीला, चीला 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 चीला। छुटकरनी ने भाई पूरे तरीके से कैमरा लगा काम कराया है, साथ साथ में बताया कि अब हम बैठते नहीं हैं, पूरे टाइम काम करते रहते हैं, बस काम काम काम, नो आराम। छुटकरनी काश कि इसका आप 25% भी उधर अपना टैलेंट दिखाई होती तो आज आपका यूँ सब ना होता, मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है, है? वही होती और बहुत अच्छे से प्राउड से रह रही होती, प्यार दुलार से कबो पहाड़ों में तो कबो यहाँ वहाँ सैंडविच खा रही होती, चीज उज वाला जो जिज्जा जी बनाते थे भूल गई, आपको एक्सरसाइज योगा भी सिखाते थे, बहुत प्यार से चाय बना के लेके आते थे, डार्लिंग लीजिए पीजिए चाय और रेटिंग कीजिए। लेकिन भाई अब यहाँ पूरा पूरा दिन काम, नो आराम। तो इसीलिए भाई छुटकन्नी जिज्जे ने भी बोला था कि दुपट्टा के वीडियो में जाग देना कि हम लोगों ने बहुत सारा किया है काम, इसलिए अब हम बाहर का खाना डिजर्व करते हैं, तभी तो ढल अंकल के यहाँ गई थी खावे पिए। तो ये सब बहुत सारा तिमझाम, बहुत सारा काम करने के बाद भैया बग्गा देता है सबको किट कैट,
यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा है बड़खन्नी जिज्जी की तरह, लेकिन सबको रील में आजकल चल नहीं रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मिलता है राह चलते हुए किसी के साथ, हैं तमाम लोग लेते हैं, तमाम लोग हाथ मिलाते हैं, तमाम लोग नहीं मिलाते हैं। तो वैसे बग्गा भाई सबको ना आए के किटकैट थमाया, लेकिन इतनी देर में एक दुपट्टा ने बुरी खबर सुनाया कि अम्मा जी गई हैं रिसियाए। अब वजह का है, अम्मा जी का जो दीवान बेड था उसमें से साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि वही दुपट्टा कहना था कि बहुत ही ज़्यादा उलझा पुलझा पड़ा था, तो हमने कहा कि चलो आज साफ़ सफाई कर दें। लेकिन जब से हमने साफ़ सफाई कर दी है उसके बाद मम्मी जी का मुंह चिढ़ गवा है, मम्मी जी पता नहीं कहाँ नहीं बोल रहे हैं। तो भाई ये भी होता है कि मेरी दादी के पास था इसे एक, वो अपना जो है पोटली कोनक छोहिन नहीं देती थी। उमा बाबा की धोती रखी थी, बाबा के लाए जमाने की बहुत सारी चीज़ें रखी थी, तो अगर कोई छूता था तो गुस्सा आ जाती थी, वो खुद धूप दिखाती थी, खुद पैक करके रख देती थी। तो हो सकता है मम्मी जी की कुछ चीज़ें उसमें हो और उनको डर लग रहा हो कि कहीं खोए खवाए न जाएं, तो मम्मी जी हो सकता है इसी की वजह से रिसियाए गई हों। दुपट्टा बता रही थी उतने दिन में परे तीन दीदी आ गई इंडिपेंडेंट जिज्जी। अब जब वो आई तो भाई दुपट्टा जो बोल रही बोल रही नहीं दे रही, ओवरलैप करे जा रही करे जा रही। तभी से शायद मुझे लग रहा है कि ये सब्सक्राइबर ने यूँ लिखा है कि भाई ये इस महिला को ना बोलो कि बीच में ना बोला करे। अब यहाँ पर जनता जनार्दन को भाई दुपट्टा का अलग पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, लेकिन नहीं, अपनी बात को अपने हिसाब से मोड़ मोड़ के उसको उससे बुलवाना होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो, है उसका तरीका अलग है आपका तरीका अलग है। वैसे आपका तरीका तो हमने देखा है, हैं मम्मी जी का डिप्रेशन दूर कर देंगे, हैं ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। तो दुपट्टा उस तरीके की नहीं है। दुपट्टा ने तो भले अच्छे तरीके से सोचा कि भाई चलो इतना सब पड़ा है गजिन तो सब साफ सफाई कर रहे हैं तो ये भी करा दें, लेकिन मम्मी जी की अटैचमेंट है तो उस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं कि मम्मी जी हो सकता है। वैसे मम्मी जी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे पहले आपकी छुटकन्नी बिटिया बड़कन्नी बिटिया ने वो खोल खोल के उम्मत सारी बर्तन बटुआ न जाने का निकाला है। अब दुपट्टा के टाइम पे आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो ये चीज़ हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और बाकी लोगों का भी नहीं आ रही है। मतलब ऐसे कौन करता है? उस टाइम तो आप कुछ नहीं बोली थी जब आपके इसको जो भी था दीवान खोल खोल के वो कितनी सारी चीज़ें बेडशीट ले गई, रजाई ले गई, बर्तन ले गई हैं, और मम्मी जी वो सारी जिस पे दुपट्टा के लिए बनता था कि लो बेटी ये हमारी पुश्तैनी साड़ी है जो मेरी सास ने मुझे दिया था मैं तुम्हें देती हूँ, वो कहने का अवसर भी नहीं मिला और वो छुटकन्नी जिज्जी से छुपाए के बड़कन्नी जिज्जी चुराए ले गई। तो गलत बात है ना, वहाँ पर तो आपने बोला नहीं। इसके अलावा भाई दुपट्टा ने एक चीज़ और बोला कि मैं तोतली हूँ, तो ये तोतली वाला चीज़ तो हमको भी समझ में नहीं आया, कौन किसको, आई थिंक इनको तो आज तक कोई तोतली बोला नहीं। हाँ एक रिएक्शन चैनल वाली कोई महिला है उनको ज़रूर किसी ने बोला है, तो इस बारे में हमने तो कभी नहीं सुना। अब हो सकता है ऐसा कॉमेंट किसी ने किया हो। तो भैया कुछ लोग दुपट्टा से अलग डिमांड कर रहे हैं कि तुम बचपना छोड़ दो। बचपने का मतलब यूँ नहीं है, बचपने का मतलब है कि जो हरकतें वाली वो अलग टाइप वाली है, और हर किसी अंदर हर किसी इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। तो बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करो, बच्चे का मतलब होता है कि दिल से जिंदा दिली रखो, बच्चे की तरह रखो, किसी चीज़ को यहाँ पर हावी मत हो, दूसरे तरीके से मत सोचो। तो बच्चे का मतलब वो होता है, बच्चे जैसे होते नहीं हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आप सबने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, निश्चल होते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता है, तो वो इसलिए बोलते हैं। वो चीज़ ज़िंदा रखनी चाहिए इंसान को अपने अंदर, और वो वाली चीज़ तो दूसरी हो गई ना। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही, और आपको क्या लगता है कि जो आज दिखाया गया है मम्मी जी वाला उसके पीछे सिर्फ स्क्रिप्टिंग है या फिर वाकई में मम्मी जी रिसियाए गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, और अब फिर से लेके आएंगे दूसर का नौटंकी ड्रामा। अब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।